बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम करेंगे और बेसिकली इसमें हम वेन डायग्राम्स की मदद से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट मालूम करना सीखेंगे और फिर इसको अप्लाई करके एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1, बुक 2 फॉलो। और लेक्चर कंटेंट्स आर यूजफुल फॉर BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथकॉम, उर्दू, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, PBA, हिस्ट्री। एग्जाम्पल है, इफ U इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C एंड द वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम है जिसमें आपको एक रेक्टेंगल के अंदर तीन सेट्स नजर आ रहे हैं, एक सेट A है, B है, C है। शोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सबसेट ऑफ U। वो ये कह रहा है कि ये जो आपको वेन डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें सेट्स ए बी सी जो नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। यानी अगर आप गौर करें तो सेट ए में 5+x एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में होंगे x+2+y और सेट सी में होंगे y+7। तो आप ये देख रहे हैं ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स की तादाद है वो एक्स है, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स की तादाद जो है वो वाई है। तो इस तरह 5 एलिमेंट सिर्फ ए में हैं, 2 एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ बी में हैं और 7 एलिमेंट्स सिर्फ सी में हैं। तो ये इस डायग्राम से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। वो कहता ही है कि फाइंड एक्स गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। एक्स मालूम करना है और ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी के बराबर है। मैंने अभी जैसे बताया आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी किसके बराबर है, x+2+y, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी क्या होगा, y+7। तो ये आप इक्वेट करके एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। फिर वो कहता है फाइंड वाई गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे है, ये देखें, ये बी है और ये सी है। तो बी इंटरसेक्शन की सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे वो वाई होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सेट ए और ये बी, इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर से आ जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा सी वाले, ये वाला एलिमेंट। क्या बात फॉलो कर रहे हैं ए? अब ये सारी वर्किंग करते हैं ज़रा। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको कि किस तरह हम चलेंगे। तो सोल्यूशन में हम चलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी है। तो जैसे मैंने बताया कि B के एलिमेंट्स क्या हैं, x+2+y, वो लिख दिया x+2+y, और C के एलिमेंट्स क्या हैं, y+7, वो भी लिख दिया। अब ये y तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास रह जाता है x=5। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया, हमने मालूम करना था x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x हमारे पास आ गया 5। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इंटरसेक्शन C। वो मैंने अभी बताया कि ये B पूरे का पूरा, ये B है और ये सी है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कॉमन एलिमेंट जो हैं बी और सी के, वो ये हैं एलिमेंट्स की तादाद जो है बी और सी की ये है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, या जैसे मैंने यहाँ बता रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू वाई और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो 7 है। कैसे भला, ये यहाँ ये दोनों सेट्स के ए और ये बी मिल के ए यूनियन बी बनता है। तो पूरे से जो आपका यू सेट है उसमें से ए यूनियन बी निकाल दें तो बाकी सिर्फ ये बचता है, ये वाला, और इसमें एलिमेंट्स का जो है वो 7 है। इसलिए हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 7 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी वाई है। ये तो पहले से आपको पता चला। अब ये देखते हुए जरा हम आगे चलते हैं, इनकी वैल्यू लगा देते हैं। यहाँ पर लगा दिया वाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वाई हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 7, तो हमारे पास वाई की वैल्यू भी आ गई 7। यू आपके सामने है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, अब आपके पास आएगा ये ए 5+x और बी का बाकी बचा क्या 2+y और सी का बाकी बचा 7। तो ये सब हम इसको ऐड करते हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यूज आई हैं वो हम पुट कर देते हैं। ये आपके पास बनता है 5+2 7, 7+4 7+7 14। एक्स वैसे ही और वाई भी वैसे ही। अब एक्स की वैल्यू भी पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू क्या है, 7 है।
आपके पास आ जाएगा 26। तो जो उसने वेन डायग्राम दी थी, आपने उसकी मदद से जो जो चीज़ें उसने मांगी थी वो फाइंड कर ली। अब इसको अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम, ज़रा जैसे भी आप देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम जो होता है वो आपने अच्छी तरह पढ़ना होता है, और फिर उसमें आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स कौन सा अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। कहता हुआ ये है, देर आर थर्ड, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हम, वैसे बड़ा मुश्किल है लेकिन जब हम वेन डायग्राम की मदद से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप एहतियात से क्वेश्चन पढ़ लें। देर आर 38 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल क्लास में 38 स्टूडेंट्स हैं, एंड ईच स्टडीज एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और हर बच्चा जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स में से एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ता है। बात फॉलो कर ली है? यानी या वो इंग्लिश, 38 में से जो है हर बच्चा या तो इंग्लिश पढ़ रहा होगा या मैथमेटिक्स पढ़, ये नहीं होगा कि 38 में से कोई बच्चा ना इंग्लिश पढ़ रहा हो ना मैथमेटिक्स पढ़ रहा हो। बात फॉलो कर ली? 38 में से हर एक बच्चा जो है वो इंग्लिश पढ़ रहा है या मैथ पढ़ रहा है। ऑफ दीज 24 स्टडी इंग्लिश, इनमें से कहता है 24 इंग्लिश पढ़ते हैं और 19 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 19 स्टडी मैथमेटिक्स। तो बाई वेन डायग्राम फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हमने ये बताना है, वो वाले बच्चे पता करने हैं जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? 38 स्टूडेंट्स हैं, कंडीशन ये है कि हर बच्चा इंग्लिश या मैथ में से एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ता है, और 19 जो हैं वो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, 24 पढ़ते हैं इंग्लिश। बताएं कि कितने बच्चे होंगे जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो वैसे तो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन हम वेन डायग्राम से ज़रा देखते हैं तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। हमने एक सेट वेन डायग्राम की मदद से बनाया और उसको हम कह दिया कि वो वाला सेट बच्चे ले लिए हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, उसको ई से डिनोट कर दिया सेट। इसी तरह हमने एक सेट और वेन डायग्राम की मदद से बनाया और उसको कह दिया कि ये बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, और उनको उसको लेबल कर दिया एम से। अब यहाँ एक बड़ा इशू है कि ये उसने बताया कि हर बच्चा, ईच स्टडीज एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इंग्लिश और मैथ में से, हमने बताना ये है कि बोथ इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले दोनों बच्चे जो हैं वो कितने हैं। वो हम सपोज कर रहे थे एक्स, अगर हम वो एक्स सपोज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच स्टडी बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो वो कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा। क्या ख्याल है? ये कॉमन है ना, इंटरसेक्शन है, आपको वेन डायग्राम की मदद से नज़र आ रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन है, इसमें ये इसमें इंग्लिश भी फॉल कर रही है, मैथमेटिक्स भी कर रहा है। तो जो बच्चे इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ रहे थे उसको हमने नंबर ऑफ उनके एक्स कर लिया। अब अगर इसको हमने एक्स कर लिया है तो फिर मुझे अब ये बताएं कि इंग्लिश पढ़ने वाले वो टोटल 24 थे, एक्स इधर आ गए तो यहाँ क्या रह गए? 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स रह गए। मैथ पढ़ने वाले टोटल 19 थे तो एक्स तो इधर आ गए, तो बाकी यहाँ कितने रह गए? 19 माइनस एक्स। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया, वेन डायग्राम की मदद से बड़ी पिक्चर क्लियर हो गई है कि यहाँ 24 माइनस एक्स है, यहाँ एक्स है, या 19 माइनस एक्स, किस वजह से, वो भी हम डिस्कस कर लिया है। अब इन सब को ऐड करें तो कितने होने चाहिए? 38, तो उसने कहा हुआ है ना टोटल 38 है। तो अब हम 24 माइनस एक्स, ये वो बच्चे हैं इंग्लिश पढ़ने, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, तो ये टोटल कितने हैं? 38। अब इसको हम अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हुआ, बाकी रह गया 24 प्लस 19 माइनस एक्स इक्वल 38, 43 माइनस एक्स इक्वल 38, 43 माइनस 38 इज इक्वल एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 5। ये आपके पास आ गया कि जो बच्चे इंग्लिश और मैथ दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो 5 हैं। तो आपने देखा कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था स्टेटमेंट का, लेकिन अगर उसकी हमने सही तरह उसको अंडरस्टैंड करके वेन डायग्राम बना ली तो मैथमेटिकल इक्वेशन एक मिल गई है जो कि लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके हमें पता चल गया कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड पूरा दोनों मैथ और इंग्लिश पढ़ते हैं। अब इसमें उसने अगर एक क्वेश्चन ऐड किया होता कि वो बताएं कि इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, तो 24 माइनस आप 5 करेंगे तो 19 रह जाएंगे सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले,
सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कितने होंगे, 19 माइनस 5 करेंगे तो 14 रह जाएंगे सिर्फ मैथ पढ़ने वाले। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा हुआ, जो पूछा हुआ था वो हमने बता दिया है कि देर आर 5 स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स।